अब बात अब की बात किसका बिहार। बिहार में आज एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की रैलियां होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता आज बिहार में होंगे, अपनी पार्टी या फिर गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से नेता और कहां कहां पर रैली करने जा रहे हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी कार्यक्रम के साथ। आज चुनावी रैली उनकी कहां कहां पर है। जेपी नड्डा आज बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जो सबसे पहले होनी है वो दोपहर करीब 1 बजे बिहार शरीफ श्रम कल्याण मैदान में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3 बजे के करीब लखीसराय में होंगे, आरके हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पहले बिहार शरीफ और फिर लखीसराय में बीजेपी अध्यक्ष दो जनसभाओं को आज संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि और कौन कौन से कार्यक्रम आज बिहार में होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रैलियां कहां कहां पर, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं। आज उनका चुनावी कार्यक्रम क्या है। आज सीएम नीतीश कुमार कुल 4 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। सबसे पहले रैली आज होगी बेगूसराय में सुबह 11:10 पर। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के चमरिया मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो दूसरी जनसभा है वो खगड़िया में दोपहर 12:25 पर अलौली विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय मैदान हरिपुर में करेंगे। फिर इसके बाद दोपहर 1:45 पर बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा ज्योति उच्च विद्यालय के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिर जो उनकी आखिर रैली है आज वो वैशाली विधानसभा क्षेत्र के प्रेम राज उच्च विद्यालय में शाम 3:35 पर होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी कार्यक्रम काफी व्यस्तता भरा आज रहेगा। वो एक के बाद एक 4 रैलियां आज करने जा रहे हैं। अब अगला कौन सा नाम होगा जो चुनावी रैली में आज आप देखेंगे, तो वो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी आज स्मृति ईरानी। सबसे पहले दोपहर 12:25 पर मुंगेर के टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो दोपहर 2:15 बरौली में होंगी, गोपालगंज के हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम स्मृति ईरानी का। और आखिर में दोपहर 3:50 पर पटना के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में बिक्रम हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कार्यकर्ताओं के साथ साथ 2 रैलियों को भी संबोधित करने जा रही हैं बिहार में। अब केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो कि आज बिहार में 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो बिहार में आज वो कहां कहां पर होंगे। सबसे पहले सुबह 10:30 उनका एक कार्यक्रम है रामपुर हाई स्कूल साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 12:45 पर +2 हाई स्कूल मैदान कटोरिया में दूसरी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। फिर दोपहर में 2 बजे वो चानन मैदान बेलहर में होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आखिर में जो उनकी रैली है वो शाम 4 बजे पहाड़पुर हाई स्कूल मैदान शाहपुर में है, चौथी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का ये कार्यक्रम आज का, 4 जनसभाएं जिसमें वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए आज वोट की अपील करेंगे। तो इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। बिहार चुनावों को लेकर आज 2 अहम बैठक है उनकी। पहली बैठक जो है वो सुबह 10 बजे बेतिया में होगी और जो दूसरी बैठक है वो दोपहर 2 बजे फारबिसगंज में होने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को बीजेपी ने बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है और इसी के मद्देनजर आज ये 2 महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो होने जा रही हैं। फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वो भी आज चुनावी मैदान में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे बिहार में। तो बताते हैं आपको कि कहां कहां पर आज होंगे। पहला कार्यक्रम उनका खगड़िया में है सुबह 11:50 पर। गांधी इंटर हाई स्कूल बेलदौर में जनसभा करने वाले हैं आज। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे भागलपुर में होंगे, कहलगांव में जनसभा है उनकी। और आखिर में दोपहर 3 बजे नालंदा के सरदार पटेल स्टेडियम में एक रोड शो का कार्यक्रम भी है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम आज महागठबंधन के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। ये आज चुनावी कार्यक्रम बिहार का। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।